और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले की। जी हाँ, यहाँ सीबीआई की जांच जो है इस मामले में अब तेज हो गई है। सीबीआई जो है वो कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। अस्पताल में कर्मचारियों और डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है, साथ ही साथ गुनाहगारों पर शिकंजा कैसे कसना है इसकी तैयारी भी सीबीआई की तरफ से हो रही है। तो इन सबके बीच सीबीआई जो है वो हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और कई ऐसे लोग हैं जो सवालों के घेरे में अब सामने आ चुके हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। कोलकाता की लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में सीबीआई एक्शन मोड में है। रेप और मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई ने अस्पताल से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आरजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से लेकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर चुकी है। 3D लेजर स्कैनर से जांच कर मौके वारदात से सबूत जुटा चुकी है। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज के हर एक सेकंड की बारीकी से जांच कर रही है। तो वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से मैराथन पूछताछ भी जारी है। संदीप घोष को लगातार तीसरे दिन यानी आज भी तलब किया गया है। सीबीआई की टीम ने आज सुबह 11 बजे पूर्व प्रिंसिपल को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। शुक्रवार से लेकर शनिवार तक पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई 25 घंटे लंबी पूछताछ कर चुकी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष वही शख्स है जिसने लेडी डॉक्टर की सुसाइड की थियरी दी थी। बताया जा रहा है कि इसी के कहने पर हॉस्पिटल ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। इतना ही नहीं, संदीप घोष पर पीड़िता की कभी 36 घंटे तो कभी 48 घंटे तक की ड्यूटी लगाने का आरोप है। इसी बीच सीबीआई की जांच टीम विधाननगर स्थित कोलकाता आर्म्ड पुलिस फोर्स की 4th बटालियन के बैरक भी पहुंची, जहां गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का काफी आना जाना था। सीबीआई टीम ने यहां से सबूतों को जुटाया और अब बैरक में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच करेगी। ट्रेनी लेडी डॉक्टर का रेपिस्ट साइको तो नहीं, इसका पता लगाने के लिए सीबीआई अब केस के आरोपी संजय रॉय का साइको एनालिसिस टेस्ट कराएगी। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विश्लेषकों की टीम टेस्ट करने के लिए दिल्ली से कोलकाता पहुंच चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि डॉक्टर से दरिंदगी में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। सीबीआई लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी के पास मिली डायरी से भी सबूतों को खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि वारदात के समय ये पन्ने फटे हों। डायरी के पन्नों को जिस तरह से फाड़ा गया उससे शक गहरा रहा है कि डायरी में कुछ लिखा तो नहीं था। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान सीबीआई को कुछ लीड भी मिली है, इसलिए कहा जा रहा है कि अब लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने में वक्त नहीं लगेगा और सच जल्द ही सामने आएगा। इसी बीच दिल्ली रेप केस की पीड़ित निर्भया की मां ने सीएम ममता बनर्जी से मांग की है कि वो मुद्दों से ध्यान न भटकाकर पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करें। मैं जरूर कहूंगी कि एक महिला होने के नाते जिस तरह से केस में हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको परिवार के साथ उनको खड़ा होना चाहिए, परिवार को विश्वास दिलाना चाहिए कि नहीं हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। बजाय कि जो तोड़फोड़ हो रही है, जो तबादले हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है आप इस पे काम करिए। आप हॉस्पिटल के अंदर जो भी सबूत है उसको कलेक्ट करवाइए और बच्ची को इंसाफ मिले इस पे काम। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में ममता बनर्जी सरकार और बंगाल पुलिस ने जैसी भूमिका अब तक निभाई वो संदिग्ध है। रेप और हत्या के इस मामले में सबूत मिटाने की साजिश का बड़ा खुलासा भी हुआ है। अस्पताल में तोड़फोड़ की साजिश को लेकर एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमलावरों को अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ करने का निर्देश दिया जा रहा है जहां लेडी डॉक्टर से दरिंदगी हुई थी।
यानी इस भीड़ का मकसद और मंशा साफ है कि वो सेमिनार हॉल से गुनाह के सबूत मिटाना चाहते थे। 30 सेकंड का ये वीडियो गहरी साजिश का इशारा करता है। सवाल है कि इस भीड़ का रिमोट किसके पास था, कौन थे ये लोग जो नहीं चाहते थे कि सच सामने आए। फिलहाल कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास रविवार से भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। शनिवार देर रात इसे लेकर आदेश जारी किया गया। मेडिकल कॉलेज के आसपास अगले 7 दिनों यानी 24 अगस्त तक 5 से ज्यादा लोगों के जुटने, हथियार लेकर जाने या तनाव पैदा करने वाली किसी भी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इन इलाकों में किसी भी रैली या विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कोलकाता पुलिस के इस फैसले से ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल पर इसका असर देखने को मिल सकता है।